अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ है। बेसिकली हमने अपने पास पेपर्स को देख रहे हैं, 10 ईयर्स के पास पेपर डिफरेंट बोर्ड्स में, पंजाब में जितने भी बोर्ड्स हैं सब में बोर्ड्स सब बोर्ड्स के। अब जो है यहाँ पे हमने बेसिकली एमसीक्यूज का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट चैप्टर था उसके एमसीक्यूज देख लिए, सेकंड चैप्टर समरी डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यूज देख लिए। अब जो है हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आप ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो आपका मतलब 10 बोर्ड्स में, 10 ईयर्स में और डिफरेंट बोर्ड्स में 10 से भी ज्यादा मतलब बोर्ड्स हैं जो आपके गुजरा वाला हो गया, लाहौर हो गया, भावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोधा, साहिवाल, डिफरेंट बोर्ड्स के आपके ये जो है पास पेपर में आ गया मुल्तान। तो आपने इस तरह से देख लेना है, इनको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके पेपर के लिए मोर देन अनफ है, ठीक है। आप देखोगे प्रॉक्सीज का यूज किया और बार बार चीजें रिपीट हुई भी होंगी, जो आपको मैंने क्लास में मार्क करवाई हुई है वही चीजें हैं आपके यहाँ पे इसमें भी पास पेपर में भी। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक तो हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में, आज हम 22 क्वेश्चन से देखने लगे हैं। फाइंड मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ नॉर्मल कर्व ऑफ द सिग्मा इक्वल टू 4। मैंने आपको बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मैक्सिमम ऑर्डिनेट के लिए आप 1/सिग्मा√2 पाई लेंगे और स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए 1/√2 पाई लेंगे। अब यहाँ पे हम सिग्मा की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास आंसर 0.009 आ गया, ठीक है। आपने याद रखना है मैक्सिमम ऑर्डिनेट को इस तरह से। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 25 एंड 5 रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये मीन है, ये म्यू है और ये सिग्मा है। फाइंड मीन डेविएशन एंड क्वांटाइल डेविएशन, आपने इसका मीन डेविएशन और क्वांटाइल डेविएशन फाइंड करना है। आप देख रहे होंगे हमने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उससे लेके अब तक हमारे पास यही चीज है, प्रैक्टिस का ही आ रहा है। मीन डिवीजन हमारे पास होता है 4/5 सिग्मा के इक्वल और क्वाड्रेटिक डिवीजन होता है हमारे पास 2/3 सिग्मा के इक्वल। और इसी तरह का एक प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने देखा था, तो ठीक है हमने यहाँ पे देखा, हमने पहले फॉर्मूला लिख लिया और उसमें हमने सिग्मा की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया साथ। इस तरह से हमने ये जो है क्वाड्रेटिक डिवीजन का फॉर्मूला लिख लिया और यहाँ पे हमने सिग्मा की वैल्यू को पुट कर दिया, हमारे पास आ जाएगा मीन डिवीजन और क्वाड्रेटिक डिवीजन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमें यहाँ पे म्यू सिग्मा की मतलब उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखो वैल्यूज का चेंज आ रहा है लेकिन फॉर्मूलाज वही है। आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, इन वीडियोज को देखेंगे और इस तरह से जो क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे बार बार, तो आपको ये फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी सारी चीजें। अच्छा, इन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4, यानी कि सिग्मा इसमें क्या है 4 है। फाइंड इट्स फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन, आप इसके फर्स्ट 4। अब अभी हमने इस तरह का बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन किया था कि इसमें हमारे पास जो था सिग्मा गिवन था और उन्होंने कहा था कि आपने b1 b2 बताना है। अब उन्होंने फर्स्ट 4 मोमेंट्स कह दिया अबाउट मीन, तो सेम वही पैटर्न, हमने सिग्मा को 4 लिखा, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा। म्यू हमें पता है वन, म्यू वन हमारे पास 0 हो जाएगा। ओड मोमेंट्स हमें पता है 0 है, तो म्यू 3 और म्यू 1 तो 0 हो जाएगा। म्यू 2 हमारे पास सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है तो हमारे पास 16 आ जाएगा। म्यू 4 हमारे पास 3 सिग्मा 4 है तो हमारे पास ये 768 आ जाएगा। तो ठीक है आपको समझ आ गई, अगर आपको एक चीज गिवन है सिग्मा तो उससे आप मीन डेविएशन भी, क्वांटाइल डेविएशन भी, मोमेंट्स भी, काफी चीजें देखे फाइंड कर सकते हैं। तो इस चीज को अपने माइंड में रखिए, फॉर्मूला को बार बार देखिए, रिवीजन आपको इसलिए बताई हुई उन्होंने बार बार, इसमें से आया क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आया ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन म्यू इज इक्वल टू 25 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 20 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमने अभी इसको देख लिया कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट के लिए हमें याद करना पड़ता है 1/सिग्मा√2π। सिग्मा की जरूरत पड़ती है, म्यू की तो जरूरत पड़ती नहीं है। यहाँ पर हमने यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू को पुट किया और मैक्सिमम ऑर्डिनेट 0.079 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है, बार बार चीजें रिवीजन हो गई हैं आपसे। कभी म्यू गिवन मतलब कभी सिग्मा खाली गिवन होता है, कभी सिग्मा स्क्वायर गिवन होता है, कभी म्यू सिग्मा गिवन होता है, तो आपने इस चीज से पैनिक नहीं होना, आपने इन फॉर्मुलास को बस याद कर लेना और प्रैक्टिस कर लेनी है। चीजें वही है, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं। अब मीन डिवीजन 5 कह दिया, व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड डिवीजन, सेम इस तरह का हमने पहले भी क्वेश्चन कर लिया है। अगर अब मीन डिवीजन हमें पता 4/5 सिग्मा होता है और हमने जो है सिग्मा को फाइंड करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ से सिग्मा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आपको पता है ना मीन डिवीजन का फॉर्मूला होता है 4/5 सिग्मा। अब हमारे पास सिग्मा जो है वो अननोन है और यहाँ पे मीन डिवीजन की वैल्यू गिवन है हमें 5, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 4 को डिवाइड कर देंगे और यहाँ से हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा इसके बाद है 27 क्वेश्चन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 = 65, Q3 = 75। अब Q1 और Q3 गिवन है, फाइंड द मीन वैल्यू, सेम इतना का हमने क्वेश्चन किया। देखो Q1 Q3 की वैल्यू डिफरेंट आ रही है लेकिन क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम हो रहा है, इस तरह से बार बार रिपीट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फॉर्मुला लिखा कि म्यू का फॉर्मुला हमारे पास होता है Q1 और Q3। मैंने आपको कहा था जब म्यू का फॉर्मुला बताया था, Q3 का सिग्मा का फॉर्मुला डिफरेंट होता है। म्यू का है Q1 + Q3/2, सिग्मा का फॉर्मूला क्या है Q3 - Q1/1.349। ये डिफरेंट आ रहा है बिल्कुल, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना। यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया
और सोल्व किया, हमारे पास μ 70 आ जाएगा, और सिग्मा हमारे पास 7.41, और इससे सिग्मा स्क्वायर निकाला तो हमारे पास 54.90 आ जाएगा। ठीक है, और आपने इक्वेशन बतानी है, तो हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, 1/√σ2πe^(2)x-μ/σ2 हमने यहाँ पे म्यू की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू को सब्सिट्यूट करके इसको बता दिया कि ये इक्वेशन बनेगी। तो आपको मैं साथ साथ मार्क करवाती रही हूँ, बताती हूँ कि इस इक्वेशन PDF को, इसके PDF को अच्छे तरीके से याद कर लो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने कहा था, आपको अक्सर पूछा होता है कि आप बताएं पीडीएफ क्या है इसका, सीडीएफ क्या है, तो आपको ये तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको बताता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द मीन 50 एंड से। अब यहाँ पे भी आपको वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन म्यू आपको गिवन और सिग्मा गिवन है, दोनों गिवन है, और आपने मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अब म्यू का तो यहाँ पे रोल ही नहीं है, सिग्मा नहीं आपको बताना है, तो आपने मीन डेविएशन से फाइंड कर लिया 4/5 सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने 2/3 सिग्मा के अकॉर्डिंग अपना जो है सिग्मा पुट करके यहाँ से आसपास ये वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, म्यू वैसे रोल नहीं, आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि आपको फॉर्मूला यूज करेंगे कोई पता नहीं कौन सा, लेकिन आपने प्रॉपर्टीज के यूज से आप इसको निकाल लेंगे। बताता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मीन म्यू और सिग्मा गिवन है, मीन डेविएशन, देखिए वही चीजें रिपीट हो रही है बार 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 बार, म्यू सिग्मा की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन आपका क्वेश्चन वही है। अब यहाँ पे भी हमें म्यू का तो कोई रोल नहीं है, सिग्मा के थ्रू हमें फाइंड करना है, तो हमें 4/5 सिग्मा 2/3 सिग्मा करके हमने यहाँ पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, तो सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा मीन डेविएशन का भी और क्वार्टर डेविएशन का भी। चीजें रिवाइज हो रही है बार बार, इतनी बार आप जब इसको रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जानी चाहिए। इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू। अब आपको सिग्मा गिवन है, और अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, तो बीटा वन और बीटा टू फाइंड करना है। हमें पता है μ 1 0 होता है और μ 3 भी 0 होता है, ये दोनों फाइंड कर लिए। μ 2 हमारे पास सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है, वो भी लिख दिया। μ 4 हमारे पास 3 सिग्मा 4 के इक्वल होता है, तो हमने वो भी लिख दिया। इस तरह से हमारे पास तीनों वैल्यूज जब आ जाएंगी, तो हमने b1 का फॉर्मूला पुट कर दिया, b1 के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया, b2 के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट किया, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0 और 3। तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पता है ये 0 और 3 ही आना चाहिए, तो ये भी हमने कर लिया। अब आपने देखो b1 और b2 के फॉर्मूले को अच्छी तरह से कर लेना है, ये नहीं करेगा बस μ 1 μ 2 μ 3 μ 4 ही आपको आए, ये B1 के फॉर्मूला और B2 का ना है, ये भी आपको फॉर्मूला आने से कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, और आपके प्रॉपर्टीज में भी गिवन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। अच्छा जी, इसके बाद आता है एग्जामिन इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्मा इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा की इंपॉर्टेंस। ये मैंने आपको अभी पहले बताया था कि हमें जो म्यू होता है वो उसकी जो है सेंटर को कंट्रोल करता है, सिग्मा उसकी फ्लैटनेस को कंट्रोल करता है। ये भी हमने इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा भी था, मैंने आपको कहा था ना, देखिए जैसे कि ये है, लेट्स सपोज हमारे पास ये मोर पीक किस्म का डाटा आ जाएगा, इससे सिग्मा हमारा छोटा होता है, और ये फ्लैट किस्म का डाटा आ जाएगा, इससे हमारा सिग्मा बड़ा होता है। सिग्मा हमारा जो होता है बेसिकली डाटा की फ्लैटनेस को कंट्रोल करता है, या आपके डाटा में मोर पीक में है या फ्लैट है, कीपिंग म्यू कॉन्स्टेंट। अब ये आपकी जो बेसिकली जो बुक पे लिखी हुई है ना, उन्होंने वो वाली इंपॉर्टेंस बता दी है सिग्मा की, जो आपकी बुक के सेकंड पेज पे लिखा हुआ है, ये आपको मैंने कहा भी अच्छे तरीके से याद कर ले शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। कीपिंग म्यू कांस्टेंट, यानी कि म्यू आपका कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे देखिए हमने म्यू को कांस्टेंट रख लिया। डिक्रीजिंग द सिग्मा डेंसिटी मोशन टू बिकम मोर शार्पली पीक, यानी कि हमने क्या किया, सिग्मा की वैल्यू अगर छोटी हो जाएगी तो ये मोर पीक हो जाएगा, दस हायर प्रोबिलिटीज ऑफ एक्स बीइंग क्लोज टू म्यू, क्योंकि आप यहाँ पे सारी वैल्यूज आपस में दूसरे के क्लोज होंगी। अब कीपिंग म्यू कांस्टेंट, म्यू को फिर कांस्टेंट रखा, इंक्रीजिंग सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू को बढ़ा दिया, यानी कि तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाटा फ्लैट, देखो मैंने अभी बताया ना आपका डाटा फ्लैट हो जाता है जब आपका सिग्मा बड़ा हो जाए, सिग्मा लार्ज के लिए हमारे पास डाटा फ्लैट हो जाता है, सिग्मा स्मॉल के लिए हमारे पास डाटा मोर पीक हो जाता है। तो इस तरह से आपने देख लिया, ठीक है, ये इसकी डायग्राम, पहले वाले के लिए हम आपका जो पीक बता रहे हैं ये हो जाएगा, और दूसरे वाले में फ्लैटनेस के लिए आपके पास ये आ जाएगा, दोनों आपने ग्राफ्स को देख लेना है। या आपकी मोर पीक का मतलब है वैल्यूज आपकी आपस में क्लोज क्लोज है, और फ्लैट का मतलब है आपकी वैल्यूज आपस में दूर दूर है, स्कैटर्ड है। ठीक है, ये चीज आपने देख लेनी है। यहाँ पर तो मैं रफ सा स्केच बना के बताया, लेकिन क्लास में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाई है ये चीजें। अच्छा जी, 33 है डिफाइन मीडियन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पता है अगर मीन और हमें पता हो तो हम मीडियन मीन तो बता सकते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे द मीन मीडियन मोड कंसाइड एट म्यू, यानी कि तीनों ही बराबर होते हैं म्यू के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34,
इफेक्ट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हमारे पास, हमें पता है, पहली वैल्यू म्यू होती है, दूसरी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने म्यू और सिग्मा की वैल्यू को बताना है यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे म्यू तो पता है आपको 100 है, वो तो बता दिया, और सिग्मा आपको पता है आपके पास 25 सिग्मा स्क्वायर है, तो आपने सिग्मा बताना, तो जस्ट 5। मैंने आपको कहा था ना क्लास में किस तरह के क्वेश्चन गिवन होते हैं, आपको कह देंगे फाइंड द सिग्मा। आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो आपको ये गिवन यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर होगा, आपको कुछ लोग बच्चे ऐसे बता देंगे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को बता देंगे कि 25, लेकिन हमने इसको सिग्मा बताना है तो हमें उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन सेम व्हेन, अच्छा व्हेन द शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप जो है रिमेन कब, मतलब सेम कैसे रहती है, इफ सिग्मा इज हेल्ड कॉन्स्टेंट। यानी कि अगर सिग्मा कॉन्स्टेंट रहे तो म्यू की शेप सेम रहेगी, ठीक है। म्यू लोकेशन चेंज होती जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, आपके देखो अगर म्यू चेंज हो रहा है तो आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है, लेकिन शेप सेम रहेगी। देखो शेप सेम है, शेप में कोई फर्क नहीं आया, ये पहले सिग्मा था, पहले म्यू था सॉरी, ये फिर म्यू आ गया, सेंटर चेंज हो रहा है, यहाँ से सेंटर आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, लेकिन शेप में फर्क नहीं पड़ा। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आपके पास इस तरह से पीक था फिर उसके बाद इस तरह से फ्लैट बन गया, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। यहाँ पे बस ये आपका सेंटर चेंज हो रहा है, ये है आपकी शेप चेंज हो रही है। तो शेप चेंज सिग्मा की वजह से होती है, म्यू की वजह से आप, अगर आप सिग्मा को कॉन्स्टेंट रखेंगे सिग्मा को, तो आपकी शेप चेंज नहीं होगी, बस सेंटर मतलब चेंज कर सकते हैं आप म्यू। मतलब आपकी, आपका सिग्मा अगर कॉन्स्टेंट रहता है तो उससे आपकी शेप जो है सेम रहेगी। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ टू कॉन्स्टेंट सी, और ये मैंने आपको कहा था आपने याद कर लेंगे, कैलकुलेटर से भी निकल सकते हैं, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन यूज में भी आ जाता है। ई और पाई की वैल्यू आपके पास ये होती है, ये मैंने आपको दिसंबर टेस्ट में भी दिया था, ई की वैल्यू, ई और पाई की वैल्यू को देख लेना, आपके एमसीक्यू में भी अभी हमने देखा था, और यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह से आया होगा। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू 40, मीन 40 है, मोड मीडियन और मोड बताना है, तो हमें पता है मीन मीडियन मोड दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। चीजें बिल्कुल आसान है, आपका देखो पेपर कितना आसान आया हुआ है। राइट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 30, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। अब हमें पता है म्यू हमारा 30 है, सिग्मा 10 है, तो हमने यहाँ पे पुट किया अपनी इक्वेशन बता दी, ठीक है। इस तरह का सेम क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी देखा है, वैल्यूज चेंज हो सकती है लेकिन आपकी इक्वेशन तो वही रहेगी ना, आपने उस पर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना म्यू और सिग्मा को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इज इक्वल टू 9, द फाइनल क्वाड्रेंट डिवीजन। अब आपको सिग्मा गिवन है, क्वाड्रेंट डिवीजन का फॉर्मूला हमारे पास 2/3 सिग्मा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको 2/3 सिग्मा में वैल्यू पुट की और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा का हमें, अब यहाँ पर सिग्मा गिवन था तो हमें मीन डिवीजन बताना है, तो क्या कर लेंगे, 4/5 सिग्मा और सिग्मा की वैल्यू को पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चीजें रिपीट हो रही है बार बार बार, वही चीजें आ रही है, ठीक। देखो चीज रिपीट होगी दोबारा से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 25, β1 β2 बताना है हमें, पता है हम पहले चारों प्रॉपर्टीज को फाइंड कर लेंगे, μ1 μ2 μ3 μ4, इनके दो तो हमारे पास 0 होती है, उन दो के फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर से σ4, इसके बाद β1 β2 का फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, हमारे पास आंसर आपको पता है 0 3 आना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। 0 β1 0 का मतलब है इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है, ये सिमेट्रिक है। β2 = 3 का मतलब ये है कि मेसोकर्टिक है, यानी कि नॉर्मल शेप है इसकी, ठीक है। इसमें ना फ्लैट है और ना ही ये पीक है इसमें। क्वार्टर डिवीजन इक्वल टू 10, अगर हमारे पास ये 10 हो जाए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, फाइंड द मीन डिवीजन। अब हमने मीन डिवीजन फाइंड करना है, अब हमें पता है यहाँ से हम अगर सिग्मा फाइंड कर लें तो इसको हम इसमें पुट करके हम निकाल सकते हैं मीन डिवीजन को भी। हमने क्या किया, ये लिखा फॉर्मूला 4/2/3 सिग्मा, और यहाँ से हमने सिग्मा की वैल्यू को फाइंड कर लिया 14.83। इस सिग्मा को हमने मीन डिवीजन वाले 4/5 सिग्मा में पुट कर दिया, यहाँ पे इस जगह पे सिग्मा की जगह पे, तो हमारे पास आ जाएगा 11.83, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन μ4 इक्वल टू दिस, फाइंड द μ2। अब क्या करेंगे हम, पहले हम μ4 का फॉर्मूला लिखा 3 सिग्मा 4, यहाँ से आपने σ2 फाइंड कर लिया, पहले σ4 आएगा फिर उसके बाद उसका स्क्वायर अंडर रूट लिया तो σ2 आ जाएगा, इस σ2 से हमने जो है μ2 फाइंड कर लिया। तो मैं बताएं सिग्मा स्क्वायर हमारे पास μ2 के इक्वल होता है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू और सिग्मा गिवन है, फाइंड द Q3। अब Q3 का फॉर्मूला हमें पता है μ+0.6745 सिग्मा, अगर माइनस हो जाए दरमियान में तो ये हमारा Q1 हो जाता है, प्लस हो जाए तो ये Q3 हो जाता है, तो हमने यहाँ से आप Q3 फाइंड कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास 45, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 9, सिग्मा इज इक्वल टू 17। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 45 में हमने देखा कि हमारे पास म्यू था वो 9 था, और सिग्मा Q3 हमारे पास 17.1 गिवन है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने सिग्मा फाइंड करना है। अभी ऊपर भी क्वेश्चन में हमें म्यू सिग्मा गिवन था और हमने Q3 फाइंड करना था, अब Q3 और म्यू गिवन है, सिग्मा फाइंड करेंगे, सेम वही इक्वेशन Q3 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा इक्वेशन लिख ली, यहाँ पे सिग्मा अननोन था, म्यू पुट कर दिया, Q3 पुट कर दिया,
स्कोर इधर जाके माइनस हो गया 9 और ये जाके डिवाइड हो गया, ये रेंज करके हमारे पास 12.01 हमारे पास सिग्मा आता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 30 सिग्मा इज इक्वल टू दिस, फाइंड द मीन डेविएशन। अब हमारे पास म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, मीन डेविएशन हमने फाइंड करना है। तो अब हमें पता है कि हमें सिर्फ जरूरत सिर्फ सिग्मा की होती है। हमने 4/5 सिग्मा लिखा और 7 सिग्मा की वैल्यू को पुट किया, हमारे पास 7.979 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, यानी कि म्यू हमारे पास 20 है, बट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। अब हमें पता है मोड, हमें पता है मीन मीडियन मोड आपस में तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये सेम क्वेश्चन डिफरेंट बोर्ड्स में आया है, तो हमें पता है मीन मीडियन मोड बाय प्रॉपर्टी तीनों बराबर होते हैं, और हमने लिख दिया बता दिया कि म्यू हमारा मोड भी 20 है। इफ वाई बीटा बनी जीरो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये मैं आपको बार बार कहती हूँ कि बीटा हमारे पास जीरो आता है तो क्यों आया। उन्होंने कहा सिंस बीटा वन इक्वल टू म्यू थ्री स्केयर ओवर म्यू टू का क्यूब एंड ऑल ऑड मूवमेंट्स आर मीन जीरो, यानी कि हमें पता है सारी ये जो ऑड मूवमेंट्स होती हैं जैसे कि म्यू थ्री म्यू वन म्यू फाइव ये सारे जीरो होते हैं, इसकी वजह से हमारा बीटा वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि बीटा वन हमें बताता है स्क्यूनेस के बारे में और हमारे डेटा में कोई स्क्यूनेस नहीं है, इस वजह से हमारा बीटा टू बीटा वन जीरो है। डिफाइन पॉइंट्स ऑफ इंफ्लेक्शन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये चीजें मैंने आपको दिसंबर टेस्ट में भी दी हुई थी। देखो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन पूछा हुआ था मैंने, तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मीन, यानी कि आपका पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन म्यू से इक्वल डिस्टेंस होता है, यानी कि म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा। ठीक है, ये देखिए लाहौर बोर्ड पे 2021 पे भी आया हुआ है और मैंने आपको इसके दिसंबर टेस्ट में भी दिया था। तो हमारा पॉइंट्स ऑफ इंफ्लेक्शन ये बताता है, ठीक है, एक्स इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, यानी कि एक्स से आपका जो इक्वी डिस्टेंस होता है ये क्या है लिखा हुआ, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीन म्यू, म्यू से आपका इक्वी डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब आता है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू टू इज इक्वल टू 9 म्यू थ्री एंड म्यू फोर, इस तरह के काफी क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, यानी कि हमें ये सिग्मा स्केयर की बनाना, तो हमें पता है म्यू थ्री तो जीरो होता है और म्यू फोर हमने फाइंड कर लिया। अब म्यू फोर हमारे पास आएगा 3 सिग्मा 4 के अकॉर्डिंग 243। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज 4, फाइंड वैलिड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्या है मीन डेविएशन गिवन है, तो हमने 4/5 सिग्मा इक्वल टू 4 किया और यहाँ से हमने सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया 5.03। इस जब हमारे पास सिग्मा आ जाएगा तो इसको फिर हम वैलिड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, 2/3 सिग्मा और सिग्मा की वैल्यू को पुट करके हमारे पास 3.381, यानी कि हमें एक गिवन हो तो हम दो चीजें फाइंड कर सकते हैं, अगर सिग्मा गिवन हो तो पॉलर डिवीजन मीन डिवीजन को भी फाइंड कर सकते हैं, अगर पॉलर डिवीजन गिवन हो तो मीन डिवीजन और सिग्मा को भी, यानी कि कोई भी एनी एक गिवन हो तो हम बाकी दोनों रिमेनिंग को कर सकते हैं फाइंड। इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज द मीन इक्वल टू म्यू इक्वल टू 85 सिग्मा इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू वन एंड क्यू थ्री। क्यू वन और क्यू थ्री की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, म्यू और सिग्मा की वैल्यू गिवन है, तो हम वही जो रिलेशन है म्यू -0.6745 सिग्मा आपका है क्यू वन का और क्यू थ्री का म्यू +0.6745 सिग्मा, यहाँ से आपके पास क्यू वन भी आ जाएगा और क्यू थ्री भी आ जाएगा। प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल एंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती है इफ एन ग्रेटर इफ एन इंक्रीजेस टू इंफिनिटी, यानी कि हमारा अगर एन बड़ा हो जाता है इंफिनिटी को अप्रोच कर जाता है लार्ज हो जाता है, एंड नीदर पी और नॉर क्यू अप्रोचेस टू जीरो, और जो पी और क्यू है वो जीरो को अप्रोच नहीं करते, देन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस टू कंटीन्यूअस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमारी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को कब अप्रोच करती है, अगर हमारा एन बड़ा हो जाए और पी और क्यू है वो जीरो को अप्रोच ना करे। ठीक है, जीरो को अप्रोच यानी कि जीरो ना हो, इसके अलावा कोई ना कोई वैल्यू हो, तो फिर हमारी जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल को अप्रोच कर जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। वैसे भी आमतौर पर देखा गया है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम के थ्रू भी आप कह सकते हो कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है जैसे जैसे एन इंक्रीज करता है वो नॉर्मल को अप्रोच कर जाते हैं। ठीक है, आगे आता है इफ एक्स इज दिस, ये हमारे पास पता है म्यू है, ये सिग्मा स्केयर है, फाइंड द सेकंड एंड फोर्थ मूवमेंट्स अबाउट म्यू, हमने म्यू टू बताना है और म्यू फोर बताना है। तो हमें पता है म्यू टू हमारे पास सिग्मा स्केयर के इक्वल है जो कि 25 था और म्यू फोर 3 सिग्मा 4, तो यहाँ हमने सिग्मा स्केयर की वैल्यू को पुट करके सिग्मा फोर भी फाइंड कर लिया। ठीक है, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी हमने पीछे भी देखा था कि दो पैरामीटर होते हैं म्यू और सिग्मा स्केयर, हमने देखिए पैरामीटर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, ये सारी चीजें मैं आपको क्लास में मार्क करवाती थी, कोई भी अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने आपको क्लास में मार्क ना करवाया हो। वट इज द रोल ऑफ म्यू इन द नॉर्मल कर्व, म्यू का रोल क्या, अभी हमें पीछे दो बार देख चुके हैं, म्यू हमें बताता है सेंटर को हमारे बताता है, ठीक है, लोकेशन को बताता है, सिग्मा हमारी थिकनेस को बताता है, शेप को बताता है, लेकिन म्यू जो है वो सिर्फ सेंटर को बताता है।
The role of mu's normal distribution is that if mu is varied, the shape density function remains same. Shape same रहेगी, ठीक है, लेकिन चेंज क्या आएगा आपका, बस सेंटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपका ये है, यहाँ पर ये आपका है ग्राफ, इसका म्यू है आपके पास, लेट्स सपोज में सिग्मा है हमारे, म्यू सॉरी म्यू है हमारे पास 5। अब हमारा म्यू जो है वो 10 हो गया, तो हमारा सेंटर चेंज हो जाएगा, शेप सेम रहेगी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा म्यू, अब ये हो जाएगा यहाँ पे इसका सेंटर 10। फिर क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज यहाँ पे 15 होगी, तो शेप सेम रह रही है लेकिन बस आपका सेंटर चेंज हो रहा है, यानी कि आपका जो ग्राफ डिस्क्रीट कर्व है ये मूव कर रहा है, सेंटर चेंज कर रहा है, लेकिन इसकी शेप में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। बार बार बता रही हूँ, म्यू से आपके डाटा की शेप में डिफरेंस नहीं आता, बस आपकी लोकेशन चेंज होती है, सेंटर चेंज होता है, लेकिन आपके सिग्मा के चेंज होने से ग्राफ की शेप चेंज हो जाती है। राइट डाउन द फॉर्मूलाज फॉर लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है कि लोअर क्वार्टाइल का क्यू बन गई फॉर्मूला म्यू माइनस 0.674 तक सिग्मा क्यू 3 करिए। हम ऊपर क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं, तो ये आपको फॉर्मूलाज भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी। आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो होते हैं ना गर्ल्स, उसमें क्वेश्चन जो है आपके ज्यादा आते हैं, बाकी सारे जो चैप्टर्स हैं रिग्रेशन में भी आपके क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े ज्यादा होते हैं, बाकी सारे चैप्टर्स में आपका थ्योरेटिकल डेफिनेशन वाला पोर्शन ज्यादा होता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अच्छा, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इक्वल टू 1 0 सिग्मा इक्वल टू 1 फाइंड द लोअर अपर क्वार्टाइल। सेम वही पर हमें लोअर अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है, म्यू सिग्मा कितना है, हमने फॉर्मूला लिख दिया म्यू माइनस 0.674 तक सिग्मा म्यू प्लस 0.674, म्यू की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है। एक तरह से आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल का भी कहलाता है Q1 के लिए। नेक्स्ट, इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन डेविएशन इज 3.9895, फाइंड द पैरामीटर सिग्मा। अब आपको यहाँ पे मीन डेविएशन गिवन है तो सिग्मा फाइंड करना है आपने, तो हमें 4/5 सिग्मा किया और यहाँ से रीरेंज करके हमारे पास सिग्मा आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ये हो जाए, ये देखिए आपको पता है ये म्यू है और ये सिग्मा स्क्वायर है, फाइंड द वैल्यू मैक्सिमम ऑर्डिनेट। मैक्सिमम ऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमें पता है, हमें मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है हमें आपने, तो ये आपको पता है, ये आपकी कैलकुलेट करते हैं हम 25 वाले पॉइंट पे, तो ये आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आपका मीन होता है, मीन मीन मोड आपके तीनों बराबर होते हैं, ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है आपका, तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू बता दी मैक्सिमम ऑर्डिनेट। नेक्स्ट, आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 61, इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा हमारे पास 4 है, वैल्यू ऑफ सेकंड फोर्थ मूवमेंट इज रिपीट हो गया बार बार, तो सिग्मा म्यू टू सिग्मा स्क्वायर म्यू 4 3 सिग्मा 4, यहाँ से वैल्यू बता देंगे। में है म्यू सिग्मा गिवन है, फाइंड द क्वार्टाइल्स। Q1 फाइंड करेंगे आप, आपके पास Q1 क्या ये फॉर्मूला म्यू माइनस 0.674 था सिग्मा म्यू और सिग्मा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। Q2 आपको पता है आपके पास, Q2 भी आप फाइंड बता सकते हैं, Q2 आपके पास क्या है म्यू म्यू के इक्वल यानी कि मीडियन, तो हमारे पास ये आ गई थी, और Q3 हमारे पास फिर वही फॉर्मूला प्लस के साथ आ गया, Q2 उन्होंने बता दिया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा म्यू के इक्वल है और वो सिग्मा वो होगा आपके पास 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बाद आता है एनलिस्ट एनी टू और फोर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे दो या चार प्रॉपर्टीज इस तरह से पूछ सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल ऑफ यूनिटी, ये हमारे पास एमसीक्यू भी आ जाता है, सिंबल भी आ जाता है, और ये देखिए कंबाइंड प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हैं, द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल ऑफ यूनिटी, और इसके अलावा द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमें पता है जिसकी रेंज माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी होती है। नेक्स्ट, मीन मीडियन मोड आपस में तीनों बराबर होते हैं, ऑल ऑर्डर मूवमेंट्स आर जीरो, ये चारों प्रॉपर्टीज हमारे पास हो जाएंगे। ये बिल्कुल आसान आसान वाली है, इसलिए आप लिखिए, आप चाहे तो जो न्यूमेरिकल जिसमें आते हैं फॉर्मूलाज आते हैं वो भी लिख सकते हैं, मीन डेविएशन क्वाडर्ट डेविएशन, तो ये चीजें बता सकते हो, ये भी बता सकते हैं। आगे है राइट डाउन द नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बताना है, ये मैंने आपको बार बार कहा याद करना है, बोलो सिग्मा जो कुछ आपको लिखा हुआ आ सकता है, राइट डाउन द नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन, या फिर कह सकते हैं राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यही आएगा आपका 1/σ√2πe^(-1/2) x-μ/σ2, ठीक है। अच्छा, आप लास्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज 25 65 तक ही हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ज्यादा आप फिर आपने डाइजेस्ट करना, आपको याद करना, ठीक है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आज हम 65 क्वेश्चन तक ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू 4 गिवन है, म्यू 2 और म्यू 3 फाइंड करना और सिग्मा फाइंड करना है। अब हमें पता है ये हमारे पास 3 सिग्मा 4 के इक्वल होता है, यहाँ से हमने सिग्मा स्केल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और सिग्मा आ जाएगा म्यू, और यहाँ से म्यू 2 सिग्मा स्केल के इक्वल है, सिग्मा स्केल आ गया, सिग्मा आ गया, और म्यू 3 हमारे पास 0 होता है, ठीक है। बाकी सारे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आसान या प्रैक्टिस की ये है, लेकिन हम 65 तक की आज रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और मैं बार बार कह रही हूँ कि आप ये जो है हम हमदर्द वालों की वो है बुक, आप चाहे इसको परचेज कर लें,
तो आप इसके इससे बार बार प्रैक्टिस करें तो आपका जो है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू ये सारा कवर हो जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन का भी काफी हद तक कवरेज है। और इस तरह से फिर आपकी बार बार इस तरह प्रैक्टिस से आप ये भी कर लेना एक क्वेश्चन से 10 साल का, तो आपका जो है पेपर इजिली सोल्व हो जाएगा, आप 80+ मार्क्स दे सकते हैं। और आपको पता है 85 टोटल मार्क्स होते हैं, तो 80 मार्क्स भी आते हैं तो वो काफी अच्छे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।